वन प्लस प्रो 9 में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हीटिंग इशूज, साथ ही साथ ओला लाने वाला है अपनी फ्लाइंग टैक्सी। ऑल्सो व्हाट्सएप में भी सर्कुलेट हो रहा है एक मैसेज जिससे आपका डिवाइस हो सकता है हैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारी टेक साइड के एपिसोड नंबर 3 सीरीज, जिसमें आपको देंगे रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टेक अपडेट फ्रॉम द टेक साइड। अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होती हुई एक मैसेज के बारे में जिससे आपका डिवाइस जो है वह हैक हो सकता है। ये जो एक लिंक है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देता है प्ले स्टोर में फ्लिक्स ऑनलाइन ऐप के नाम से, और इस पर जो है पूरा फ्री कंटेंट देख सकते हो जो आप नेटफ्लिक्स में देखना चाहते हो। तो फ्री के कारण काफ़ी लोग इसकी परमिशन को अलाउ कर देते हैं, और जैसे ही इसको अलाउ करते हैं कुछ टाइम बाद ये आपके व्हाट्सएप से अपने आप मैसेज भेजेगा लोगों को, और आपका बेसिकली पूरा जो एक्सेस है वो किसी और के हाथ में चला जाता है। तो इस तरीके से जो आपका डिवाइस है वो हैक हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग जब व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे दिया करिए। अब बात कर लेते हैं LG की। तो LG की जैसा कि आपको पता है उसने अपना स्मार्टफोन मार्केट क्विट कर दिया है, और स्मार्टफोन मार्केट क्विट करने के बाद भी LG ने ये स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि उनके जो 2019 के बाद जितने भी फोन्स आए थे उसमें जो है वो 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट देते रहेंगे। मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड 10 तो आपको मिलेगा एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13। तो ये काफ़ी अच्छी बात है LG की तरफ से। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर के बढ़ते प्राइस को लेकर। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आने वाले टाइम में जो है हमें स्मार्टफोन जो है और महंगा देखने को मिल सकता है, उसके प्राइस वगैरह थोड़ी बढ़ सकती है, तो वैसा ही हुआ। और Xiaomi ने भी अभी कह दिया है कि उनके फ़ोन जो है अब महंगे देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उनको पता होगा कि क्या होने वाला है मार्केट में। मैं आपको शॉर्ट में ही ऐसे ही रिलेवेंट टेक अपडेट देता रहता हूं, तो इसलिए आप वीडियो देख लीजिए करिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो ही मैं बनाता हूं हर बार। अब बात कर लेते हैं OnePlus के 9 Pro के बारे में। इसमें जो है काफ़ी आपको हीटिंग इशू और कैमरा मॉड्यूल बहुत जल्दी इसका हीट हो जाता है, साथ ही साथ बैटरी का भी इसमें इशू है कि बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, और काफ़ी यूट्यूबर ने भी इसके बारे में वीडियोस वगैरह भी बनाई थी। तो मैंने सोचा आपके साथ ये OnePlus 9 Pro की प्रॉब्लम शेयर कर दूँ। अगला जो अपडेट आता है होता है एप्पल की तरफ से, और एप्पल का A14 बायोनिक जो अभी था वो काफ़ी बढ़िया और अच्छा प्रोसेसर था मोबाइल सेगमेंट में, और अब जो है एप्पल जो है अपना A15 बायोनिक बनाने की तैयारी चालू कर दी है। वो जो प्रोसेसर है वो 5nm पे बेस होने वाला है, तो देखते हैं इसकी क्या कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं जो एप्पल का A14 बायोनिक प्रोसेसर था वो फास्टेस्ट प्रोसेसर था 2020 का, तो अब देखते हैं A15 कैसा रहने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप अपडेटेड फ्रॉम टेक साइड।